Our planet is slowly dying. Our people are slowly fading. The rich tell us that it's a lie, but science proves us that it's happening. There's no denying climate change is real. So hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग? Finally एक और वीडियो. ये वीडियो बहुत ही प्यारी है क्योंकि इस वीडियो में एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर रखी है और नो डाउट मज़ा ही आ जाएगा आपको इस वीडियो को देख के और कुछ सीखने को भी मिलेगा. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे गाइस. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें और सुनो, अगर बीच में कहीं भी एक पर्सन पे ऐसा लगा कि यार मुझे ये वीडियो बड़ी पसंद आई है तो उसी वक्त लाइक कर देना. थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं वीडियो के एंड में. 37 साल हो गए हैं जब दुनिया में ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी. ये उस वक्त का सबसे बड़ा आंदोलन था. आखिर इसी आंदोलन के बदौलत 1972 में संसार का सबसे पहला हरित दल सो कॉल ग्रीन पार्टी की शुरुआत न्यूजीलैंड में हुई. और वो दिन है और आज का दिन है. तब से लेके अब तक ये आंदोलन लगातार प्रगति कर रहा है. पहले लोगों को लगता था कि पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है वो सिर्फ भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. पृथ्वी पर सबका असर पड़ता है, चाहे वो पौधा हो, जीव हो, वातावरण हो या कुछ भी हो, सभी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं. पहली बार लोगों को लगा कि पृथ्वी एक जीवित प्राणी है और इसको भी अपनी भोजन और एनर्जी ऊर्जा समृद्ध बहुत सी जरूरतें होती हैं. बाकी अब ये बात कहना बिल्कुल ठीक होगा कि इस प्राणी यानी पृथ्वी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है. पृथ्वी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. हमारी दुनिया एक बीमार प्लेनेट बन चुकी है. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारी पृथ्वी एक बहुत ज्यादा बीमार प्लेनेट हो चुकी है. और तो और इसका स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ता ही जा रहा है. यार देखो, हमें ना ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो दुनिया है, ये दिन प्रतिदिन खराब होती ही जा रही है. हमें इसे बचाना ही होगा, हमें इसे किसी भी हालत में बचाना ही होगा, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए. जी हाँ, हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी को बचाना होगा. आखिर इसे ही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. क्या होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट? का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी इसका इस्तेमाल कर सके. तो हमें ये पृथ्वी इस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए कि आगे आने वाली जनरेशन भी इस पृथ्वी का उतना ही आनंद ले सके. खैर, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1987 के बाद बहुत ज़्यादा फेमस हो गया. लोगों ने इसकी तरफ सोचा, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को बचाने की जरूरत है सच में. अरे यार बस अब और नहीं, अब और नुकसान मत पहुंचाओ इस पृथ्वी को. हमें इस पृथ्वी को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. कभी पेड़ काटते हो तो कभी कुछ कर रहे हो, कभी कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा रहे हो, कभी जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हो. अरे सिर्फ इंसानों की थोड़ी है ये पृथ्वी. पृथ्वी पे तो ना जाने कितने जीव जंतु प्राणी रहते हैं, उनकी भी तो सोचो. अरे भाई, पृथ्वी उन जानवरों की भी है जो यहां रहते हैं. पृथ्वी उस पेड़, उस पशु, उस पक्षी, उस सब चीजों की है जो यहां रहते हैं. हमें इन सब एनवायरनमेंट का दोस्त बनना चाहिए, पर हम क्या करते हैं, हम इसके मालिक बनते हैं. हम जानवरों को नौकर समझते हैं, पेड़ों को, पशुओं को, फूलों को, इन सब को अपना गुलाम समझते हैं. गलत है यार, ये गलत है, क्योंकि एक मालिक सिर्फ और सिर्फ अपने नौकरों को परेशान करता है, जिस तरीके से हम लोगों ने इस पृथ्वी को परेशान कर दिया. हमें पृथ्वी का, जीव जंतुओं का, हर एक चीज का दोस्त बनना ही होगा. एक बात बताओ, पृथ्वी के मेन बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है?
क्या है मेन बायोलॉजिकल सिस्टम? यही है ना, मछली, वन, कृषि, है ना। ये बायोलॉजिकल सिस्टम आज की डेट में बायोलॉजिकल कम और इकोनॉमिकल ज्यादा हो चुके हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। आज के टाइम पे मछली, पेड़ और कृषि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है। हमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया की बायोलॉजिकल सिस्टम से फायदा कमाना है, चाहे इससे पृथ्वी को, दुनिया को कितना ही नुकसान क्यों ना हो, होने दो। मेरा फायदा क्या है ये बताओ। आज के टाइम पे इंसान की सोच ये हो चुकी है, क्योंकि ये जितना भी बायोलॉजिकल सिस्टम है इसको हमने इतना इस्तेमाल कर लिया है, इतना इस्तेमाल कर लिया है कि धीरे धीरे ये खत्म होने वाला है और आगे आने वाले टाइम पे बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा। मछली क्षेत्र सूखते जा रहे हैं, नदियां, इतना प्लास्टिक भर चुका कि पूरी नदियां तबाह हो चुकी हैं, नदियां गंदी हो चुकी हैं, वन काटे जा रहे हैं, पेड़ों के काटने से, जंगलों के काटने से जानवर और कृषि दोनों ही तबाह हो रहे हैं। जानवरों का घर छिन रहा है और कृषि क्षेत्र का उपजाऊपन छिन रहा है। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ आज अपना अभी फायदा हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। अपने आज के फायदे के लिए हम लोग जो है भविष्य का नहीं सोचते, हम लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नहीं सोचते। हर साल 40 से 50 मिलियन एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट करता हूं, क्या बोला मैंने, हर साल 40 से 50 मिलियन एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं। सोचो 50 मिलियन एकड़। अब तुम बताओ उन जानवरों का क्या ही होगा जो इन जगहों पर रहते हैं। तुम लोग उस कृषि भूमि को भी नहीं छोड़ते यार जिससे तुम अनाज खाते हो, उसका भी उपजाऊपन खत्म करते जा रहे हो। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये पॉपुलेशन भी है। दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ये दुनिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन दुनिया को तबाह करती जा रही है। तुम्हें पता है मानव जाति को जनसंख्या का पहला आरा पूरा करने में 10 लाख साल लग गए थे और ये 10 लाख साल कम से कम 19वीं सदी में पूरा हुआ था। लेकिन तुम यकीन मानोगे, अगला 1 अरब पूरा करने में हमें सिर्फ और सिर्फ 100 साल लगे। तो कैन यू इमेजिन कि पहला 1 अरब 10 लाख साल में हुआ और दूसरा 1 अरब सिर्फ 100 साल में हुआ। आज के टाइम पे दुनिया की पॉपुलेशन 6 बिलियन से भी ज्यादा है। तुम देख सकते हो किस तरीके से रैपिडली हमारे दुनिया की पॉपुलेशन चेंज हो रही है। हर 4 दिन के बाद विश्व की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा बढ़ जाती है, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के बाद। अगर ऐसे चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब विश्व का विकास बिल्कुल रुक जाएगा। हाँ ऑब्वियसली बात है, जब इतनी सारी जनसंख्या होगी तो विकास कैसे होगा, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या मतलब ज्यादा बेरोजगारी, ज्यादा जनसंख्या मतलब ज्यादा रिसोर्सेज का नुकसान होना। तो ऑब्वियसली बात है दुनिया तबाह होने की कगार पे आ चुकी है। अगर आप अपना और विश्व का सच में विकास चाहते हो तो इस जनसंख्या पे काबू पाओ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती तुम पागल हो जाओ और जनसंख्या रोको, नहीं 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 नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट करो, इंस्पायर करो कि ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें, जनसंख्या को कंट्रोल करें। गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आज से जब 60 साल 70 साल बाद आपके अपने बच्चे पैदा होंगे और वो इस एनवायरनमेंट को देख के कहेंगी कि पापा या मम्मी, आपके पास तो ऑप्शन था, आप तो एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते थे, तो आपने क्यों नहीं किया। तो तुम और तुम्हारी नज़रें शर्म से झुक के ना हो मैं ये चाहता हूँ। ये लाइन मैंने ऐड की है, मेरा नाम राहुल द्विवेदी, आपको पता ही है, ये लाइन मैंने ऐड की है। तो गाइज हमें एट एनी कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, हमें एट एनी कॉस्ट एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। अब तुम सोचोगे कि यार मैं कैसे बचाऊं, मैं तो 11 क्लास करके स्टूडेंट हूँ। मेरा मानना ये है कि तुम खराब मत करो, तुम खराब नहीं करोगे दुनिया खराब नहीं करेगी। तुम सुधर गए, सोचो हर साल 11th क्लास में 10 लाख बच्चे आते हैं, 10 लाख बच्चों ने एनवायरनमेंट को बचाया, 10 लाख बच्चों ने एनवायरनमेंट को ठीक किया, कितनी बड़ी बात है। तुम मत करो दुनिया नहीं करेगी। अब देखिए इस चैप्टर में 2 कोट हैं जो अलग अलग लोगों ने कहे हैं, तो मैं पहले कोट को पढ़ना चाहूँगा जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था, वो ये कि हम जो इस पृथ्वी पर आए हैं तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी हमारी नहीं है, इन भूमियों पे हमारा अधिकार नहीं है,
हम तो सिर्फ अपने जीवन भर के लिए यहाँ पे किराएदार के रूप में आए हैं। तुम इसके मालिक बनने की कोशिश मत करो, और हमें बीच बीच में इसकी मरम्मत भी करवानी चाहिए। ये पहला कोट था। दूसरा कोट बोला गया था, तुम्हें पता है हमें ये धरती हमारे पूर्वजों से विरासत के रूप में नहीं मिली है, ना 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 ना, हमें अपने बच्चों से उधार के रूप में मिली है। तो हमें अपने बच्चों के लिए इस पृथ्वी को संभाल के रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, यही था चैप्टर। और अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फैला दो यार, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैला दो। और आप मुझे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।